हाई हाईप्रेंड आसिडियम बात करने वाले हैं ईसीएस स्पेन टी लीग का आज का जो मैच नंबर पैंसठ और छियासठ होगा जो कि जाने वाला है एम जी सी वर्सेज सी डी जी के बीच में शुरू होगा मैच का टाइम रहने वाला है आज दोपहर दो, दो बज के तीस मिनट में शुरू होगा वेदर की बात करें तो मौसम बिल्कुल साफ रहेगा वेन्यू देख लेते हैं तो यहाँ पर सेम ग्राउंड पर मैच है पिच रिपोर्ट की बात करें आर्टिफिशियल विकेट है एवरेज स्कोर एक सौ तेईस एक सौ सत्तर के बीच में रहने वाला है वेन्यू रिकॉर्ड देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल यहाँ पर अब तक चौसठ मैच कम्पलीट हो चुके हैं और यहाँ पर ना बत्तीस मैच दे बैठे फल टीम ने बत्तीस मैच में चेज है तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लें एम जी सी की टीम की तो टीम की बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाकर सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम चैनल को जरूर से जाकर ज्वाइन कर लेना है क्योंकि वहाँ पर ही आपको अपटोटॉस फाइनल टीम और प्ले इंग्लैंड मिलने वाली हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक एक तो आपकी वीडियो के डिस्कशन में दूसरा जानवर आप कमेंट करते हो वहाँ पर ऊपर ही ऊपर आपको पिन के ऊपर मिल जाएगा तो जैसे हमारे ग्राउंड पे करेगा आप टेलीग्राम चैनल पहुँच जाओगे वहाँ जोन पर क्लिक आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना बात कर लेम जी सी की टीम के लास्ट छः मैच के लिए टीम यहाँ पर देख सकते हो तीन मैच हार चार मैच हारी हैं एक मैच विन किया है एक मैच टाई हुआ है लास्ट मैच अपनिंग की थी बिलाल हसन ने और यहाँ से जैन एहसान ने बिलाल हसन की बात करें तो यहाँ पर चौहत्तर दो विकेट हैं उनहत्तर एक विकेट बयालीस दो विकेट एक जीरो विकेट पैंतीस तीन विकेट और सत्ताईस जीरो विकेट है यहाँ पर इनका रिकॉर्ड काफ़ी पसंद आया मुझे क्योंकि आपको हर मैच में दो दो ओवर डालता दिखाई देने वाला है और बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से पॉइंट मिलने वाला है जैन एहसान तेरह जीरो विकेट सत्रह दो विकेट आठ दो विकेट है नवा से जीरो विकेट दस एक विकेट और तेतर जीरो विकेट है इनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है आपको हर मैच में दो दो डालेगा और बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों अच्छी करके जाएगा शकील अहमद जीरो उनचास इकतीस तीस सैंतालीस और चौबीस रन सिर्फ पहले मैच में डाउन रहे बाकी पूरे पाँचों मैचों में अच्छे पॉइंट देखे गए हैं बैटिंग से टी के उन्नीस मैच का लाभ तीन सौ रन जीरो विकेट इनके नाम है यहाँ से आता है साजेब हसन की बात कर लें नो बैटिंग नो बैटिंग नौ छः नौ और बारह रन है बिल्कुल ख़राब रिकॉर्ड है इनका रणजोत सिंह की बात कर लें जीरो विकेट जीरो विकेट दस एक विकेट एक सत्रह और छः रन है यहाँ पर ये एक मैच में एक ओवर डाल के एक विकेट इन्होंने निकाला है वन अब तक अच्छा इन्होंने एक भी मैच में नहीं किया यहाँ से आ रहे हैं फहाद हसन की बात कर लें पंद्रह दो अड़तीस उन्नीस नौ बैटिंग जीरो रन है यहाँ पर लास्ट मैच देख सकते हो तो तीन मैच में इन्होंने अच्छी बैटिंग की तीन मैच में बिल्कुल लोप रहे टी के चौबीस मैच में तीन रन इक्कीस का एवरेज है वकर अनवर की बात कर लें सत्ताईस जीरो विकेट है पचास जीरो विकेट जीरो नौ एक विकेट बीस जीरो विकेट और जीरो विकेट है यहाँ पर ये एक ही मैच में विकेट निकाल पाए हैं बाकी इन्होंने अब तक विकेट नहीं निकाले बट बैटिंग अच्छी कर लेता है यहाँ से आते हैं समीर रहमान की बात कर लें जीरो विकेट जीरो विकेट जीरो विकेट पाँच रन एक विकेट और एक विकेट है लास्ट दो ही मैच में विकेट निकाल पाए हैं बाकी पहले चार मैचों में बिल्कुल रहा है महमूद कामरान की बात कर लें चौदह एक विकेट एक विकेट एक विकेट जीरो विकेट जीरो विकेट और जीरो विकेट है पहले तीन मैच में इन्होंने कन्फर्म विकेट निकाले बट लास्ट के तीन मैच में विकेट नहीं निकाल पाया यहाँ से आता है मोहम्मद अजीजन की बात कर लें जीरो विकेट एक विकेट जीरो विकेट जीरो विकेट जीरो विकेट और जीरो विकेट है सिर्फ सेकंड मैच में ही एक विकेट निकाला है इन्होंने बाकी पूरे पांचों मैचों में बिल्कुल रहा तो मैं इसे ड्रॉप करूँगा यहाँ से आ जाता है पैजम उल्हाक की बात कर लें एक नो बैटिंग नो बैटिंग और एक विकेट है लास्ट के मैच में एक ओवर डाला एक विकेट निकाला है उसके पहले प्लोपरा टी टेन के बारह मैच में एक रन आठ विकेट इनके नाम है बात करें बेंच में से तो बेंच में से जो भी कहें आपको जानकारी मिल जाएगी क्योंकि ना बैटिंग ऑर्डर के आने के बाद में ही आपको पता चलता है कि कौन यहाँ से ओपनिंग करने आएगा कौन यहाँ पर तो यहाँ से वीडियो आपको पूरा देखना है स्टार्टिंग में डाले जाएंगे यहाँ से मोहम्मद कामरान एम जिसन डब्ल्यू अनवर डेथ को डाले जाएंगे यहाँ से एफ उल्ला एम जिसन एस रहमान जो डेथ में बॉलिंग करेगा ना वो हमेशा आपके लिए लिपोर्टेंट रहने वाला है बात कर ले दूसरी टीम सी डी जी की लास्ट छः मैच के लिए टीम तीन मैच हारी तीन मैच इन्होंने विन किए हैं लास्ट मैच हमने की थी प्रिंस धीमन ने और सुपियान इलाही ने प्रिंस धीमन की बात करें तो अड़तीस एक विकेट है तिरसठ एक विकेट एक सौ तीन नोट आउट छिहत्तर एक विकेट सात रन बीस जीरो विकेट है यह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है क्योंकि आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से पॉइंट मिलने वाले हैं तो मैं टीम में जरूर रखूँगा सुपियान इलाही सैंतीस दो विकेट है उनतीस अट्ठाईस एक विकेट जीरो विकेट जीरो और पाँच रन पहले चार मैचों में अच्छी बैटिंग बॉलिंग से पॉइंट दिए हैं बट लास्ट के दोनों मैचों में ना कुछ अच्छा नहीं कर पाया आदिल साहा तेरह दो विकेट है एक दो विकेट तेबीस एक विकेट अट्ठारह एक विकेट और बारह दो रन है यहाँ पर लास्ट दोनों मैचों में फ्लॉपर रहा बाकी लास्ट पहले चार मैचों में इन्होंने अच्छे पॉइंट आपको हर मैच में दिए हैं राजा वकर उन्नीस जीरो विकेट नौ बैटिंग दस जीरो विकेट है जीरो अट्ठारह जीरो विकेट और इक्कीस रन है यहाँ से आता है अख्तदार खान की बात कर लें पंद्रह रन दो विकेट नौ बैटिंग अट्ठारह एक विकेट है सात नोट आउट दस जीरो विकेट है यहाँ पर ये दो ही मैच विकेट निकाल पाए हैं बाकी अब तक इन्होंने अच्छा एक भी मैच में नहीं किया मतिनदर की बात कर ले दस बाईस नो बैटिंग बारह बयालीस और ग्यारह रन है एक मैच में बिल्कुल ब्लॉप रहा बाकी पांच मैच में इन्होंने अच्छे पॉइंट आपको हर मैच में दिए हैं वक्त युनास की बात कर ले जीरो जीरो विकेट जीरो विकेट है एक विकेट एक विकेट और इकतालीस जीरो विकेट है पहले तीन मैचों में बिल्कुल प्लोप रहा बट लास्ट के तीनों मैचों में अच्छे पॉइंट आपको हर मैच में इन्होंने दिए हैं तो मैं जरूर मौका दूंगा उन्हीं साह की बात कर लें दो जीरो विकेट है नौ बैटिंग एक विकेट एक विकेट, विकेट अट्ठारह जीरो विकेट है दो ही मैचों में विकेट निकाले हैं बाकी अब तक इन्होंने अच्छा अब तक नहीं किया फिर जाना अमज की बात कर लें यहाँ से पच्चीस नौ बैटिंग नौ बैटिंग जीरो पांच ओवल नौ बैटिंग है पहले मैच में पच्चीस रन के के लिए बाकी प्लोप रहा मुनीब उ रहमान की बात कर ले बिल्कुल खराब रिकॉर्ड है जावेद आमिद की बात कर ले नो बैटिंग एक विकेट जीरो विकेट जीरो विकेट नो बैटिंग और एक विकेट है यहाँ पर सेकंड मैच और लास्ट मैच में इन्होंने विकेट निकाले हैं चार मैचों में बिल्कुल फ्लॉप रहा बात कर ले बेंच में से तो बेंच में से जो भी खेले आपको जानकारी मिल जाएगी क्योंकि ना बैटिंग उठाने के बाद में ही मैं कुछ बता पाऊँगा स्टार्टिंग में डाले जाएंगे डब्ल्यू यूनास ए खान डेथ को डाले जाएंगे यहाँ से पी दीमन जेड महमूद अहमद यहाँ से एक हाँ जो डे बॉलिंग करेगा ना वो हमेशा आपके लिए लिमिटेड रहने वाला है तो यहाँ पर वीडियो का एनालिट वाला पार्ट चुका है कम्प्लीट चलते अपने डेमो टीम की तरफ डेमो टीम की तरफ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाकर सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम से जो उन्होंने आपके लिए कापी जरूरी है क्योंकि वहाँ पर ही आपको आफ्टर टॉस फाइनल टीम और प्लेंग लाइन मिलने वाली हैं तो यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते चलते अपने डेमो टीम की तरफ तो यहाँ पर देख लेते हैं डेमो टीम डेमो टीम अपने विकेट कीपर सेक्शन से करने वाला एस अहमद को और डब्ल्यू यूनास को बैटिंग सेक्शन से, से, से एस इलाही को और यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन से करने वाला पी दीमन को बी हुसैन जेड ईसान डब्लू अनवर और ए शाह को बॉलिंग सेक्शन से, से, से ए खान को यहाँ से देख सकते हैं एम जिसन को यू शाह को कैप्टन करूँगा बी हसन को वाइस कैप्टन करूँगा पी दीमन को बट ये मेरी फाइनल टीम बिल्कुल नहीं है यह सिर्फ मेरी डे मोटी में फाइनल टीम में बैटिंग ऑर्डर जाने के बाद में ही दे पाऊंगा तो वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और पैरा सेगमेंट और जैसे सपोर्ट आप हमारे चैनल पर बनाए रखेगा अप्रेन धन्यवाद आपको हमारी वीडियो देखने के लिए